का फैसला करे, वो किसी के कत्ल का फैसला करे। जो ये फतवे जारी करने का और रियासत के अंदर रियासत बनाने का ये जो रवाज है, इसकी हम सबको मिल के मजम्मत करनी चाहिए और रियासत को भी इसमें आनी हाथों से निबटना चाहिए। कत्ल के फतवे उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, उसको नहीं सपोर्ट कर सकते, जो कि आईन और कानून से बाहर भी अदालतें हैं, उनके फैसलों से इत्तेफाक नहीं है, उनको आप चैलेंज करें, रिव्यू में जाएं, जो भी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ फतवे पर हुकूमत और अपोजिशन यकजबा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देने पर नायब अमीर टीएलपी जहरुल हसन शाह ओकाड़ा से गिरफ्तार। वफाकी वज़ीरा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासत किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं दे सकती। कत्ल के फतवे पर कानून पूरी शिद्दत से हरकत में आएगा। ख्वाजा आसिफ बोले, चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। एहसन इकबाल ने कहा, किसी जत्थे या गिरोह को हक हासिल नहीं कि किसी के ईमान का फैसला करे, जईयत उलमा आगे बढ़े और लोगों की रहनुमाई करें। वजीर इत्तला अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि ये जो रिवाज चल पड़ा है, इसकी सरकोबी होगी। वफाकी वजीर